नमस्कार। भारतीय संस्कृति में सुख समृद्धिदायक वस्तुएं इस चैप्टर के अंतर्गत आज हम बात करते हैं विष्णु चक्र के बारे में। ये बहुत दुर्लभ वस्तु है, आपने कहीं देखा होगा, अच्छी बात है। ये प्राकृतिक रूप से समुद्र में निकलता है, जो इसी प्रकार से गोल जैसे भगवान का चक्र होता है, इस प्रकार से होता है, और ये भगवान विष्णु का चक्र माना जाता है। इसको घर में स्थापित करने से भगवान विष्णु कृपा होती है। बृहस्पति कमज़ोर हैं, किसी कन्या के विवाह नहीं हो रहा है, अथवा कोई अगर बालक पढ़ने में कमज़ोर है, आलस करता है, और उसके पंचमेश यानी विद्या के स्वामी बृहस्पति हैं, कमज़ोर हैं, बकरी हैं, तो उसके लिए भी ये उनके पास रख देने से दर्शन मात्र से धीरे धीरे उसके अंदर पढ़ने के प्रति जागृति आएगी, प्रवृत्ति बढ़ेगी और घर में सुख शांति आएगी। ये चक्र स्थापित करने से शत्रुओं से रक्षा होती है। यदि आपका बृहस्पति छठे भाव में बैठा हुआ है या क्षत्रिय वृष राशि का है या नीच का है तो शत्रु परेशान करते हैं। इसको अपने घर में, अपने पूजा घर में स्थापित करने से, दर्शन करने से शत्रुओं की जो है ना कमी आएगी, विरोधी आपके पास जाएंगे, आपको हानि नहीं पहुँचाएंगे, यानी ये कई प्रकार से लाभ करता है। यदि किसके पर लोन हो रहा है, कर्ज हो गया है, देनदारी बढ़ गई है, उसके लिए ये बहुत अच्छा है। इसको नियमित रूप से दो शंख लेकर के, दो प्रकार के दो चक्र लेकर के विष्णु चक्र अपने एक पूजा घर में रखें और अपनी तिजोरी में जहाँ पैसे रखते हैं, इससे पैसों का धन का भी आकर्षण होता है। इसलिए इसको अपने घर में मंदिर में स्थापित करें, यानी विवाह विलंब है उसके लिए ठीक है, बच्चा पढ़ने में कमजोर उसके लिए अच्छा है, घर में लक्ष्मी का अभाव कम है उसके लिए अच्छा है। लेकिन इससे पहले, इसको रखने से पहले, इसको भगवान विष्णु के किसी मंत्र से सिद्ध करना पड़ेगा, अभिमंत्रित करना पड़ेगा, क्योंकि सामान्य वस्तु है, बाजार में खूब मिल जाती है, लेकिन इसका वैल्यू जब होती है उसकी सिद्धि होती है। सिद्धि या सिद्ध क्या मंत्र को अच्छा दे, लक्ष्मी का मंत्र हो या विष्णु का मंत्र हो, उसे सिद्ध करेंगे, अभिमंत्रित करेंगे, निश्चित मात्रा में जाप करेंगे तो इसका फल दुगना मिलता है। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही।